हेलो वेलकम। इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे जीरे की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, इस वीडियो पर हम आपको विस्तार से सरल शब्दों में समझाने वाले हैं जीरे की उन्नत खेती की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी, यानी समय समय पर खाद और सिंचाइयाँ, लगने वाले कीट और फंगस रोगों की रोकथाम, इसके अलावा उपज बढ़ाने के लिए टॉनिक ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे, छिड़काव का शेड्यूल और इसके साथ साथ खेत तैयार, मिट्टी, तापमान, उन्नत किस्में, खरपतवार की रोकथाम और जीरा की फसल में अतिरिक्त संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यानी शुरू से लेकर बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी, लगने वाले रोगों की रोकथाम, समय समय पर सिंचाइयाँ और भी अतिरिक्त जानकारी आपको विस्तार के साथ सरल शब्दों पर समझाने वाले हैं। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। तो खेत तैयार, मिट्टी को पलटने वाले हल कल्टीवेटर से मिट्टी को पलटवाकर कम से कम 15 दिनों तक धूप लगाएं और पकी हुई गोबर की खाद बिखेर कर रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए और खेत को समतल कराते समय 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर खाद को पूरे खेत में बिखेर दीजिए। लीजिए, आपका खेत एकदम तैयार हो गया। बात करते हैं मिट्टी यानी सॉयल। तो जीरा की खेती उत्तम जल निकास वाली मिट्टी पर जीरे की खेती आप कर सकते हैं। काली दोमट, पीली मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी और उपजाऊ उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप जीरे की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप जीरे की बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्में अवनी की 121 और अवनी की 111 वैरायटी बेस्ट हैं। इसके अलावा दिनकर सीड्स की पोखराज और वेस्टर्न एग्री सीड्स की C45 और C60। इसके अलावा यदि आप देसी या फिर घर में तैयार किए हुए बीज की बुआई कर रहे हैं तो बीजों को उपचार आप जरूर कर लें। UPL कंपनी की साफ फंगीसाइड से या फिर ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। तो एक एकड़ में लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं 12 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई आप कर सकते हैं। बात करते हैं बुआई का डिस्टेंस। तो बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं कतार से कतार यानी लाइन से लाइन की दूरी 22 से 24 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं मिट्टी पर गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। बात करते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको बुआई के समय जीरे की फसल पर कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार फार्म वाली प्लस 20 किलोग्राम यूरिया खाद को और उसी के साथ 15 किलोग्राम MOP पोटास को आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं खाद और स्प्रे का शेड्यूल। तो कृपया ध्यान से सुनिए, खाद और स्प्रे का शेड्यूल बताने से पहले सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से कीट और फंगस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा एफिड, जिसे हम माहू बोलते हैं, और थ्रिप्स। इसके अलावा ब्लाइट भी आता है, जिसे हम झुलसा के नाम से जानते हैं। वहीं एक रोग आता है बैक्टीरिया विल्ट यानी उकठा रोग, उसको आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यूड। तो पाउडरी मिल्ड्यूड को और भी अन्य प्रकार की बीमारियों को, रोग को कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम बात करते हैं पहली खाद के बारे में। तो जब हमारी जीरे की फसल बुआई से 30 से 35 दिन की होती है तो 20 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स और उसी के साथ सागरिका, जो इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार आती है 3 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। किसान भाई, इसके अलावा बात करते हैं दूसरी खाद। तो NPK 052434 3 किलोग्राम और सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम और उसी के साथ बोरॉन B20, जो बोरॉन 20% आती है, 150 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो किसान भाइयों, जीरे की फसल पर कई प्रकार के रोग आते हैं, बीमारी आती हैं, फंगस आते हैं और
कीट आते हैं तो उनकी रोकथाम करने के लिए, साथ ही पुष्पन स्टेज पर पुष्प की संख्या बढ़ाने के लिए, इसके अलावा सभी प्रकार की बीमारियों और रोग की रोकथाम करने के लिए और ठीक तरीके से ग्रोथ और बढ़वार करने के लिए स्प्रे शेड्यूल कृपया ध्यान से सुनिए। जब जीरे की फसल 22 से 25 दिन की होती है तो आपको थर्मोथॉक्सॉम 25% जो इकतारा आती सजेंटा कंपनी की 100 ग्राम लेना है और उसी के साथ एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लेना है बायोविटा लिक्विड 200 ml और उसी के साथ UPL कंपनी की साफ जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंको जैब है 250 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 140 से 150 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। बात करते हैं सेकंड स्प्रे के बारे में। तो जीरे की फसल जब 40 से 42 दिन की होती है तो आपको सेकंड स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे पर हम एक टॉनिक ले रहे हैं जिसमें अमीनो एसिड और विटामिन्स का कॉम्बिनेशन है, फेंटा प्लस 100 ml और बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी हमको लेना है 200 ml और उसी के साथ सिजेंटा कंपनी की कवच फंजीसाइड इसको लेना है 300 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर देना है 140 से 150 लीटर पानी पर। किसान भाइयों बात करते हैं फसल तैयार, तो जीरे की फसल 100 से 125 दिन पर पककर तैयार हो जाती है, यह वैरायटी पर निर्भर करता है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, खरपतवार की रोकथाम। तो खरपतवार की रोकथाम आप दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो मजदूरों की सहायता से भी लेवर से खरपतवार को खेत से बाहर निकलवा सकते हैं और दूसरा आप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, खरपतवार नाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 24 घंटों के अंदर आप पेंडा मेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, बुआई से 24 घंटों के अंदर 700 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जब आपने बुआई करी है जस्ट बुआई के बाद आप पेंडामेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपने बुआई के समय ही पेंडामेथ्रिन का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप बुआई के बाद भी, जब आपकी जीरे की फसल 28 से 30 दिन की होती है, बायर कंपनी की राफ्ट खरपतवार नाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी पर 15 से 20 ml स्प्रे आप कर सकते हैं। याद रखना चाहिए जब आपकी जीरे की फसल 28 से 30 दिन की होती है तो जड़ों के पास नमी होना चाहिए, तभी आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, सिंचाई। पहली सिंचाई आपको बुआई के समय ही कर देनी है और दूसरी सिंचाई लगभग 10 दिन के बाद और इसी प्रकार 15 से 17 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल और फल स्टेज के बाद आपको सिंचाई बार बार नहीं करनी चाहिए, यानी आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं किसान भाइयों उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो एक हेक्टेयर पर 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है। यह निर्भर करता है देखरेख पर, मिट्टी पर, सिंचाई पर और खाद के डोज पर। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उपज उत्पादन बढ़ भी सकता है। बात करते हैं अगले और नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जीरे की फसल पर उकठा रोग की रोकथाम। बैक्टीरिया बिल्ट यानी हम अक्सर देखते हैं कि सीधा पौधा ही सूख जाता है, तो हम बैक्टीरिया बिल्ट की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी पर उकठा रोग के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों जब भी आप पहला पानी दे रहे हैं, पहली सिंचाई कर रहे हैं, तो आप ट्राइकोडर्मा को भी छोड़ सकते हैं। ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है आपको एक एकड़ पर 1 kg जड़ों के पास छोड़कर सिंचाई आप कर दीजिए, काफ़ी हद तक जीरे की फसल पर उकठा रोग की रोकथाम कर पाएंगे। इसके अलावा यदि रोकथाम नहीं हो पा रही है तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंको जैब युक्त फंगीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। उकठा रोग की रोकथाम करने के लिए आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही आपको चयन करना चाहिए। किसान भाइयों ये थी जीरे की उन्नत और सफल खेती की संपूर्ण जानकारी। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। तो किसान भाइयों यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।